नमस्कार जी, मेरा नाम अमीन हूँ। अब बताने जा रही हूँ महिलाओं का व्यवहार तय करते हैं ग्रह नक्षत्र। भविष्य चमकाने के लिए करें उपाय। ग्रह और राशियों को स्त्री और पुरुष वर्गों में बांटा गया है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ को पुरुष राशि और वृष कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों को स्त्री राशि कहा गया है। इसी प्रकार चंद्रमा और शुक्र जहाँ स्त्री स्वभाव ग्रह हैं, वहीं सूर्य, मंगल और गुरु पुरुष ग्रह हैं। स्त्री जातकों में स्त्री राशि और स्त्री ग्रहों का प्रभाव अधिक होने पर ऋण गुण अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होंगे। ऐसा देखा गया है कि जिन मामलों में पुरुष जातकों की तुलना में स्त्री जातकों का विश्लेषण किया जाता है, उनमें स्त्री जातकों के लिए अलग अलग नियम दिए गए हैं। शेष योगा योगों के मामले में स्त्री और पुरुष जातकों को कुंभवेश एक ही प्रकार से फलादेश दिए जाते हैं। जिस स्त्री की कुंडली में पुरुष राशि और पुरुष ग्रह की भूमिका अधिक होती है, उनका जीवन कुंभवेश पुरुषों की तरह होता है। भारी आवाज़, बड़े ढील ढोल उत्साह के साथ आगे बढ़कर काम करने वाली महिलाओं को देखकर ही समझा जा सकता है कि उनकी कुंडली में पुरुष राशि और सूर्य, मंगल और गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव अधिक है। बृहस्पति देते हैं सांसारिक सुख। पुरुष कुंडली में जहाँ शुक्र सांसारिकता और दैहिक सुख के लिए देखे जाते हैं, वहीं स्त्री जातक के लिए गुरु महत्वपूर्ण है। स्त्री जातक के लिए उसके पति का प्रगति करना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जिस स्त्री जातक की कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थान और शुभ प्रभाव में होते हैं, उसे सामाजिक मान प्रतिष्ठा और सांसारिक सुख सहजता से मिलते हैं। बृहस्पति खराब होने पर स्त्री जातक को अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में अधिकांश स्त्री जातकों को गुरु का रत्न पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में पहनने से गुरु का प्रभाव बढ़ जाते हैं। जिन जातकों के गुरु मारक या बांधक स्थानाधिपति होता है, उनके अलावा सभी स्त्री जातकों को बेधड़क पुखराज पहनाया जा सकता है। मंगल भाते हैं महिलाओं को। समान तौर पर ऋतुस्राव के दौरान स्त्रियों की रक्त की हानि होती है। ज्योतिष में इसे मंगल के हास के रूप में देखा जाता है। मंगल के इस नुकसान की भरपाई के लिए स्वागिनों को लाल बिंदी लगाने, लाल चूड़ियाँ पहनने, लाल साड़ी एवं लाल रंग का सिंदूर लगाने की सलाह दी जाती है। मंगल की भूमिका अधिकार एवं तेज के रूप में होती है। लाल रंग को धारण करने से मंगल का तेज महिलाओं को फिर से प्राप्त हो सकता है। हालांकि लोग मानता में अधिकांशता से स्वाग से जुड़ा जाता है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह मंगल के नुकसान की भरपाई है। सामाजिक मान्यताओं में वैधव्य का दोष स्त्रियों को दिया जाता है। स्त्री मांगलिक हो और पति मांगलिक ना हो तो ऐसा माना जाता है कि स्त्री हावी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। अगर मंगल और शनि आठवें स्थान पर हो तो इसे चुनरी मंगल कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल वैधव्य के योग बनाते हैं। कुंडली मिलान में इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। विदुर की तुलना में विधवा को पुरुष प्रधान समाज में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए कुंडली मिलान के समय पुरुष की तुलना में स्त्री के मंगल का पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बुध और शनि की भूमिका। बुध और शनि ग्रहों को नपुंसक ग्रह बताया गया है। पुरुष कुंडली में जहाँ शनि पीड़ादायी ग्रह है, वहीं स्त्री जातक के लिए बुध पीड़ादायी ग्रह सिद्ध होते हैं। बुध के प्रभाव में एक ही रूटीन में लंबे समय तक बने रहना और एक जैसी क्रियाओं को लगातार दोहराते रहना पुरुष के लिए आसान है, पर स्त्री जातकों के लिए यह पीड़ादायी होता है। ऐसे में महिलाओं को अपनी दिनचर्या, कपड़े, रहने का तौर तरीका लगातार बदलते रहने की सलाह दी जाती है। इससे उनकी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ का असर कम होता है। परिधान की बात की जाए तो महिलाओं को परिधानों का रंग भी लगातार बदलना चाहिए। सोमवार को क्रीम, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, वीरवार को पीला, शुक्रवार को गुलाबी, शनिवार को नीला और रविवार को धूसर का गहरा बैंगनी रंग पहनने की सलाह दी जाती है। यह प्रतिदिन का बदलाव उन्हें सभी ग्रहों के अनुकूल परिणाम दिलाता है। चंद्रमा देता है रचनात्मकता। जिस स्थिति जाता की कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होते हैं, वह हसमुख और रचनाधर्मी होती है। राहु, केतु, बुध और शनि के कारण चंद्रमा पीड़ित हो तो स्त्री कर्कशा रोदन करने वाली या कलह प्रिय होती है। ऐसी स्त्रियों को रोजाना सुबह खाली पेट मिश्री के साथ मक्खन खाने की सलाह दी जाती है। चंद्रमा पीड़ित होने पर शरीर में खनिज तत्वों और कैल्शियम की कमी हो जाती है। मक्खन में उपलब्ध खनिज तत्व एवं कैल्शियम
जातक के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर से दुरुस्त करता है और जातक हंसने खिलखिलाने लगता है। स्त्री और अंग लक्षण। इसी जातकों के अंग लक्षणों के बारे में अधिकांशता वैवाहिक संदर्भ में देखा जाता है। विवाह से संबंधित ग्रंथों में स्त्री के सुलक्षणी होने के कई सूत्र बताए गए। इसके अनुसार भगवान स्त्री के सिर के केश लंबे होने चाहिए, ललाट चौड़ा एवं उन्नत होना चाहिए, शरीर के अंगों पर बाल कम होने चाहिए। अधिक बालों वाली महिला जातकों को अपने जीवन में अधिक संघर्ष देखना पड़ता है। सौभाग्यशाली कन्याओं की आँखों के पोरों में लाली होनी चाहिए, हाथ पैरों के नाखून कठोर ना हो तथा साफ सुथरे होने चाहिए। हथेलियाँ पैरों के तलवे और एड़ी कठोर नहीं होनी चाहिए। लोक मान्यता में है गोरे रंग की तरजीह दी जाती है। जिन सौभाग्यशाली अंग लक्षणों में लाली को तो महत्वपूर्ण माना जा गया है, लेकिन वो कहीं त्वचा के रंग का उल्लेख नहीं मिलता। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।